चलिए देखते हैं प्राइवेट कंपनीज इंगेज्ड इन कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में प्राइवेट कंपनी ऐसी कौन सी है जो कोयले का प्रोडक्शन करती है? तीन बड़ी कंपनियां हैं, हालांकि और भी हैं। एक है बंगाल एमटा कोल माइंस लिमिटेड, ईएमटीए, बंगाल एमटा कोल माइंस लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर्स लिमिटेड और टाटा स्टील। ये प्राइवेट कंपनियां हैं जो कोयले का प्रोडक्शन भारत में करती हैं। ठीक है, ये मेजर प्राइवेट कंपनीज हैं। इंडिया में जो कंजप्शन है कोल का, कौन सी इंडस्ट्री कोयले का भारत में सबसे ज्यादा उपयोग करती है? कई बार यूपीएससी इस तरीके से पूछता है एग्जाम में, तो थर्मल पावर प्लांट। लगभग 76% कोयला जो भारत में उत्पन्न होता है उसका खपत थर्मल पावर प्लांट में होता है। इसके बाद आयरन एंड स्टील प्लांट्स में और तीसरे नंबर पे सीमेंट इंडस्ट्री में कोयले की सबसे ज्यादा खपत होती है। वर्ल्ड स्टेटस, अब यदि हम पूरी दुनिया में कोयले का स्टेटस देखें तो हमें यह दिखाई देता है कि 69% जो रिजर्व है कोयले का वो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस का है, और 31% में सब बिटुमिनस और लिग्नाइट आते हैं। अब हम यहां पर कोयले का रिजर्व और प्रोडक्शन देखेंगे। जब हम रिजर्व और प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ओवरऑल कोयले की बात करेंगे, जिसमें एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट ये सारी चीजें शामिल है। तो जो रिजर्व है सबसे ज्यादा दुनिया में यूएसए में पाया जाता है 24%, और यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में। यहां जो कोयला पाया जाता है इंडोनेशिया में, यहां पर ये जो चार कंट्रीज मैंने आपको नाम बताया, यहां पर जो कोयला पाया जाता है वो एंथ्रासाइट ज्यादा मात्रा में होता है। हम लोग जब रीजनल वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे अमेरिका में पेंसिल्वेनिया जो अपलेशियन माउंटेन है वहां पर जो कोल की पूरा भंडार पाया जाता है वहां पर एंथ्रासाइट पाया जाता है। इसी प्रकार इंडोनेशिया में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में एंथ्रासाइट क्वालिटी का कोल यानी कि बेस्ट क्वालिटी का कोल वहां पर मिलता है। रशिया 15% रिजर्व के साथ दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 14% के साथ तीसरे नंबर पे, इंडिया, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, मैं क्षमा चाहूंगा एक्चुअली इंडिया 4th नंबर पे आ गया है। तो 4th नंबर का रिजर्व इंडिया में है और 5वें नंबर पे चाइना। यदि हम बात प्रोडक्शन की करें तो चाइना में 45% प्रोडक्शन कोयले का होता है, फॉलोड बाय इंडिया 9.5% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन इंडिया से आता है, और तीसरे नंबर पे यूएसए 9.2%। तो इस प्रकार से ये चाइना का जो कोल का रिजर्व है और प्रोडक्शन है। यदि हम कंजप्शन की बात करें कि कंट्री वाइज सबसे ज्यादा कंजप्शन कोयले का कौन करता है, तो प्रोडक्शन ऑर्डर, जो ऑर्डर प्रोडक्शन का है वही ऑर्डर कंजप्शन का है, यानी चाइना सबसे ज्यादा खपत करता है कोयले का, फॉलोड बाय इंडिया, फॉलोड बाय यूएसए। अब यदि हम बात करें इंडिया में कि इंडिया का जो कोल है वो कहां कहां एक्सपोर्ट किया जाता है और हम कहां कहां से इंपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट है इंडिया अपने कोल का 50% एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करता है, 46% नेपाल को करता है और 3% भूटान को करता है। अब आप कहोगे ये सारे पड़ोसी देश हैं, तो जब से मोदी गवर्नमेंट आया है उन्होंने मिनरल सेक्टर में नेवर फर्स्ट पॉलिसी लाई है, यानी हम ज्यादातर जो अपना मिनरल्स है पहले नेबर को हम एक्सपोर्ट करेंगे, उनकी जरूरत पूरी करेंगे जो हमसे हो सकेगा, और लेटर ऑन फिर हम आगे की कंट्री को करेंगे। तो नेवर फर्स्ट पॉलिसी कोल फील्ड में चलता है, इसलिए हम इन कंट्रीज को सबसे पहले कोयला देते हैं। इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में नेवर फर्स्ट पॉलिसी नहीं चलता, क्योंकि हमारे पड़ोस में किसी के पास कोयला उतना ज्यादा नहीं है जो जिससे इंडिया इंपोर्ट करे। ठीक है, तो इंडोनेशिया से हम इंपोर्ट करते हैं 46%, क्यों करते हैं, एंथ्रासाइट कोल है, मैं आपको बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया में एंथ्रासाइट कोल है, साउथ अफ्रीका में एंथ्रासाइट। तो हम बिटुमिनस एक्सपोर्ट करते हैं एंथ्रासाइट या बिटुमिनस में ही, और बेटर क्वालिटी का बिटुमिनस जो है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब कभी भी सेम चीज इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है इंपोर्ट भी करता है तो कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस होगा किसी न किसी बात में। जैसे डायमंड में, तो डायमंड में हम जो फिनिश्ड डायमंड है, प्रोसेस डायमंड है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, कच्चा हम इंपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार कोयला में या आयरन ओर की बात करें तो घटिया आयरन ओर जो हमारे यहाँ होगा वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और बना बनाया स्टील प्रोडक्ट या और बेटर क्वालिटी का आयरन ओर हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख के समझ नहीं आना, घबरा नहीं जाना कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इंपोर्ट भी कर रहे हैं, ये कैसा हो रहा है। ठीक है, तो हम एंथ्रासाइट क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी ऑफ बिटुमिनस जो इंडिया से भी बेस्ट है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, और जो हमारे पास बिटुमिनस लिग्नाइट वगैरह होता है उसको हम अपने पड़ोसी देशों में या और कहीं भी हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कहानी यहां पर खत्म हो गई। चलिए
अब यहां पर एक बार पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया कितना कोल इंपोर्ट करता है और उसका टोटल लागत कितनी है। इस प्रकार से जो कोल मिनिस्टर है उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने जो आंसर दिया था वो मैं यहां पर सेम टू सेम लिख दिया, उसको आपको ध्यान रखना है। कोल इंपोर्ट कम्स अंडर ओपन जनरल लाइसेंस पॉलिसी विच इज एन इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोसेस, हेंस ओनली मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज नो रोल इन इंपोर्ट। बात समझ में आ रही है? मैं समझा रही हूं। जब हम कोयले का इंपोर्ट करते हैं तो कितना इंपोर्ट करना है इसका डिसीजन अकेले मिनिस्ट्री ऑफ कोल नहीं लेता, ये इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोसेस है। इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोसेस माने कई मिनिस्ट्रीज के मंत्री बैठ करके ये डिसीजन लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी में कोल इंपोर्ट करना है, किस कंट्री से करना है, किस प्राइस पर करना है, किस पर्पज के लिए करना है। ठीक है, तो इस पॉलिसी का नाम है, जिस पॉलिसी से हम कोल को इंपोर्ट करते हैं उसका नाम है ओपन जनरल लाइसेंस पॉलिसी। ठीक है, जो कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोसेस है, अतः मिनिस्ट्री ऑफ कोल अलोन हैज नो रोल इन इंपोर्ट, ये ध्यान आपको रखना है। यही आंसर उन्होंने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन में और भी कई बातें पूछी गई थी, उन्होंने और भी कई आंसर दिए थे, लेकिन जो हमारे काम की बात है ये लेटेस्ट जो इसके पहले संसद लगा था उसका क्वेश्चन है। अब यदि हम देखें इंडिया में एक फिगर कि टोटल कोल प्रोडक्शन 2019-20 में कितना हुआ, 730 मिलियन टन इतना कोल का प्रोडक्शन हुआ इंडिया में। इसमें से हमने इंपोर्ट कितना किया, 235 मिलियन टन, यानी इतना हमने इंपोर्ट किया, इतना हमने अपना प्रोडक्शन किया, उसके बावजूद हमने इतना इंपोर्ट किया, और ये जो इंपोर्ट है ये हम जितना प्रोडक्शन करते हैं उसके 32% से भी ज्यादा, या लगभग 32% मान सकते हैं, उतना इंपोर्ट है। यदि हम रुपी में इसका प्राइस निकालें तो लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का कोयला भारत हर साल इंपोर्ट करता है। क्यों करता है उसका रीजन हम आगे देखते हैं। है तो ये इंपोर्ट को यदि हम कम कर दें, इंपोर्ट को कम करने का तरीका है प्रोडक्शन बढ़ाएं, और प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद जो कमियां हैं हमारे कोयले में, जो एनवायरमेंटल के लिए कुछ दिक्कतें कर सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी वगैरह और भी कई तरीके होते हैं कोयले की क्वालिटी बढ़ाने की। तो एक तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, दूसरा हम क्वालिटी बढ़ाएं, तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट कम हो जाएगा तो हमारे 2,00,000 करोड़ रुपए पर साल है, पर ईयर है, उसमें से कुछ कटौती हो जाएगी। ठीक है, और इंपोर्ट जब भी किसी चीज का कम होता है, इट इज वेरी गुड फॉर इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए इंपोर्ट कम होना खुशखबरी है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं कि इंपोर्ट कम करने का क्या सॉल्यूशन है। कई सॉल्यूशन है, लेकिन अभी मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए कोल सेक्टर का, या डीनेशनलाइजेशन कर दिया जाए। तो इसके पहले वाले और इसके और पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कोयले सेक्टर में कैसे कैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कैसे 1973 में गवर्नमेंट ने इसको नेशनलाइज्ड किया, फिर लगभग 2015 तक ये एकदम नेशनलाइज्ड रहा है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में रहा है, फिर धीरे धीरे इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया, और 2018 में इसको टोटली खत्म कर दिया गया, और 2020 में कानून बना करके कंप्लीट डीनेशनलाइजेशन या कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल सेक्टर हो चुका है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन या डीनेशनलाइजेशन ऑफ कोल सेक्टर इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट ओनली द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन यानी मतलब जो हमारा हल है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हल क्या है इसका, तो उसके एक हल के रूप में है प्राइवेटाइजेशन, या इसी को डीनेशनलाइजेशन कहते हैं, दोनों अलग अलग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, चलिए अब 2006 में कैसे कैसे हमने इस पूरे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया। 2006 में कोल माइनिंग वॉज ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर विद एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन, एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन के साथ प्राइवेट सेक्टर को हमने कोल माइनिंग के लिए खोल दिया। अब ये एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि केवल वे कंपनियां जो आयरन स्टील में, सीमेंट में, पावर में, कोल वॉशिंग, कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन, इन इंडस्ट्री में लगे हुए हैं जो कंपनी ऑलरेडी, वही कंपनियां प्राइवेट कंपनी के तौर पर भारत में कोल माइनिंग की एक्टिविटीज में भाग ले सकती है। इस बंधन को कहा जाता है एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन। ये 2006 में लाया गया। 2015 में
कैप्टिव प्राइवेटाइजेशन। कैप्टिव प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि ये सारा नियम खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि जो कोल में इंगेज्ड हैं, जो कोल सेक्टर में इंगेज्ड हैं या पावर सेक्टर में इंगेज्ड है, माने कोल से रिलेटेड, वही जो है कोल माइनिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं। फरवरी 2018 में नो एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन, यानी जो एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन था उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन हाँ उसको खत्म कर दिया गया और यानी फरवरी 2018 में कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल सेक्टर हो गया। अगस्त 2019 में कोल सेक्टर में 100% एफडीआई की परमिशन दे दी गई, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। और पांचवी बार फरवरी 2020 में जो हमारे देश का कोल माइनिंग को रेगुलेट करने वाला जो सबसे बड़ा कानून है एमएमडीआर एमेंडमेंट एक्ट 2020, जो ओरिजिनल एक्ट था एमएमडीआर 1957, उसको 2020 में एमेंड करके और कंप्लीट डीनेशनलाइजेशन या कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ कोल सेक्टर कर दिया गया। तो उसका एक जो सॉल्यूशन है उसके लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अब तक, हमने यहां पर ये सारी बातें कर ली। यहां तक बात समझ आ गई। इसके अलावा इंपोर्ट कम करने के लिए और भी कई उपाय हैं, थोड़ा ज्यादा और ज्यादा हम नेशनल असेसमेंट करें और कहां कहां कोल की संभावनाएं हैं, जहां जहां कोल की संभावनाएं हैं वहां प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ में, कहीं पर केवल पब्लिक सेक्टर, कहीं पर पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर के और उसमें प्रोडक्शन के क्षेत्र में तेजी लाई जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस अपनाए जाए, वही जो हमने आयरन की फील्ड में बात की थी उस प्रकार की बातें हम इसमें और ऐड कर देंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इंपोर्ट कम करने का हो जाएगा और हमारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आखिर जो इंपोर्ट की जरूरत है हमें, आखिर हम दुनिया के चौथे लार्जेस्ट रिजर्व है और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसके बावजूद इंडिया कोल इंपोर्ट करता है, उसका क्या कारण है? अगर हम उस कारण को पकड़ लें तो वो हमारा सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल, भारत में जो कोयला पाया जाता है उसकी क्या विशेषता है। दुनिया में सारे कोयले एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना, अनपढ़ आदमी के लिए सारा कोयला एक जैसा है, कोयला माने कोयला, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की दृष्टि से, वैज्ञानिकों की दृष्टि से और जो उसके उपयोग करता है उसकी दृष्टि से कोयले कई प्रकार के होते हैं। तो इंडियन कोल की क्या विशेषता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कोल अलग होगा, अमेरिकन कोल अलग होगा, अमेरिका के लोग भी अलग तो अमेरिका का कोयला भी अलग, भारत के लोग अलग तो भारत की कोयला भी अलग, ठीक है। चलिए तो इंडिया के कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली बात हाई एस कंटेंट, यानी भारत के कोयले को जब जलाते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में राख निकलती है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में राख निकलती है तो उसके कई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होते हैं, वो राख उड़ करके वायुमंडल में जा सकती है, ठीक है, मिट्टी में मिल सकती है, पानी में मिल सकता है, कई प्रकार की उससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो हाई एस कंटेंट, अब ये हाई एस कंटेंट आखिर क्यों, क्यों भारत के साथ ऐसी शत्रुता है इस पर की कि उसने भारत के कोयले में राख ज्यादा बनता है, उसके पीछे ईश्वर की कोई कुदृष्टि नहीं है। कोयले के बनने का तरीका क्या होता है, कोयला दो प्रकार से बनता है, एक एक्स सिटू, दूसरा इन सिटू। एक्स सिटू और इन सिटू में क्या अंतर है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। एक्स सिटू का मतलब है कोई चीज बनी यहां है लेकिन वो चीज लाई कहीं और से, मेरी बात समझ आ रही बात आपको, ठीक है। जैसे आप रहते घर में हैं और स्कूल जाते हैं तो आप बने स्कूल में हैं, घर का ही कोई व्यक्ति आपके अंदर वो सारा नॉलेज जो आज आपके पास है उसको फीड नहीं किया है तो आपका एक्सिटू डेवलपमेंट हुआ, और अगर घर के अंदर ही आपका सारा डेवलपमेंट हो तो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही बात, तो वही जो चीज जहां पाई जा रही है उसमें सारे फीचर वहीं पर आए हो, उसी जगह पर आए हो तो वो इंस्टीट्यूट है, लेकिन कोई चीज पाई कहीं और जाती है, लाया कहीं और गया, इसके कारण उसमें कुछ चेंज आया और उसमें प्रॉपर्टीज आई तो वो एक्सिटू कहलाता है। तो गोंडवाना क्लास की जो कोल है, कोल मेनली दो प्रकार की, वैसे तो तीन की होती है, कार्बोनिफेरस, गोंडवाना और टर्सरी, लेकिन टर्सरी का दुनिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है। अगर हम दो की बात करें, कार्बोनिफेरस कोल और गोंडवाना, तो कार्बोनिफेरस का जो कोल है वो जियोसिंक्लाइन मेथड से बना है। जियोसिंक्लाइन मेथड का मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा गड्ढा रहा होगा, उसी गड्ढे में पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पति सब नीचे दबते गए दबते गए दबते गए और जहां पर ये सारी चीजें दबे वहीं पर कोयले का निर्माण हुआ, ये है कार्बोनिफेरस टाइप का कोल, यानी एंथ्रासाइट टाइप का कोल।
इसलिए एंथ्रासाइट टाइप के कोल में जो एस कंटेंट है वो कम होता है। अब भारत के कोल में एस कंटेंट ज्यादा क्यों है? पहली बात, क्योंकि हमारा कोल फॉर्मेशन एक्सीटू है। क्या मतलब इसका? हमारे यहां जो कोल बना है वो जियोसिंक्लाइनर मेथड से नहीं बना है। कैसे बना है? पेड़ पौधे जीव जंतु टूट करके गिर गए, मर गए, उनको नदियों ने बहा करके लाया है और अपने दोनों किनारों पर अपनी ही मिट्टी से उनको दबाया है। तो जब नदी के नदी वैली में, जब रिवर वैली के आसपास ये जो फॉसिल दबते गए तो उनमें बहुत सारे मिट्टी भी मिलती गई और मिट्टी भी साथ में कोयले के अंदर चला गया और उसमें क्ले यानी मिट्टी, क्ले ग्रेवल ऐसे कई चीजें उस मिट्टी में होती थी और वही मिट्टी कोयला फॉर्मेशन के दौरान उसमें मिल गया। इसलिए जब हमारे यहाँ की कोयले को जलाया जाता है तो उसमें एस कंटेंट ज्यादा होती है। यही एक और कारण भी है कि भारत में सबसे ज्यादा कोयला नदियों के किनारे मिलता है। दामोदर नदी के किनारे, महानदी के किनारे, गोदावरी के किनारे, वर्धा नदी के किनारे, सुवर्णरेखा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। तो भारत में यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल इन इंडिया इज फाउंड अलोंग द रिवर वैलीज, एक्सप्लेन। अब बताओ कैसे? तो बता देना कि ड्रिफ्ट ओरिजिन है या एक्सीटू फॉर्मेशन हुआ है इंडियन कोल का, जिसमें बहुत सारी मिट्टी रेत ये सब मिल गए हैं जिसके कारण उसमें एस कंटेंट ज्यादा है। ठीक, ये सभी गोंडवाना कोल के साथ हुआ है ऐसा नहीं, गोंडवाना कोल में से इंडियन कोल के साथ ऐसा हुआ है। वही गोंडवाना कोल साउथ अफ्रीका में भी पाया जाता है लेकिन वहां का फॉर्मेशन दूसरे तरीके से हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। दूसरा है हाई परसेंटेज ऑफ इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, इनऑर्गेनिक पदार्थ जो है, बोरान कैल्शियम, बोरान मैग्नीशियम, बोरान है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इस टाइप के इनऑर्गेनिक पदार्थ जो है इसमें ज्यादा मात्रा में है और वे कोयले के साथ इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि उनका उनका रिमूवल जो है वो डिफिकल्ट है। तो हाई अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज या इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज इंडियन कोल में ज्यादा है और इसका कारण भी जो एक्सप्लेनेशन है इसका वो भी वही है कि बहुत दूर से फॉसिल को लाया गया है तो कई नदियों से कई चट्टानों से टकराते हुए आए हैं तो अनेक प्रकार के मिनरल्स उसमें मिल गए हैं। पुअर पॉसिबिलिटी का मतलब यही है कि कोयले को कितना भी हम साइंटिफिक तरीके से धोएं उसमें जो इंप्योरिटीज हैं वो खत्म नहीं होती या खत्म होने में बहुत टाइम लगता है। तो तीसरी कमी है ये भारत के कोयले की। चौथी ठीक है सी, यानी भारत में दुनिया की सबसे मोटी कोल परतें पाई जाती, जितनी मोटी परत होगी कोयले की वो उतना बेस्ट माना जाता है। लेकिन इसमें साथ में एक कमजोरी ये भी है कि वो जो कोल की सीम होती है वो स्प्लिट जल्दी करती है, टूटती जल्दी। ठीक है, तो एक अच्छी खबर ये है कि भारत में मोटी कोल परत पाई जाती है लेकिन साथ में बुरी खबर ये भी है कि वो थोड़े से फ्रेजाइल होते हैं, टूट जल्दी जाते हैं। हाई सल्फर कंटेंट, सल्फर की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, और पेट्रोलियम में भी हम लोग पढ़ेंगे कि हाई सल्फर कंटेंट जब पेट्रोलियम में होता है तो उसको बोलते हैं सोर पेट्रोलियम, खट्टा पेट्रोल, और जब सल्फर की मात्रा कम होती है तो उसको बोलते हैं स्वीट, क्योंकि सल्फर की मात्रा जिस भी फ्यूल में होगी जब वो जल करके बाहर निकलेगा और बाहर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और अगर हाइड्रोजन भी मिल जाए तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा जिसके कारण एसिड रेन होंगे, और अगर हाइड्रोजन नहीं मिलता और सल्फर डाइऑक्साइड ही बना, ठीक है, या हाइड्रोजन मिला और सल्फर मिला ऑक्सीजन नहीं मिला तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। ये सब एक प्रकार के पॉल्यूटेड गैसेस हैं जो कि एनवायरमेंटल के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो हाई सल्फर कंटेंट का मतलब है इंडिया का जो कोल है सोर कोल में आता है। ठीक है, छठवीं बात, लेस ट्रेस एलिमेंट, ये अच्छी खबर है। ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं? हमारे शरीर में भी पोषण के लिए दो चीजें चाहिए, एक मेजर एलिमेंट, दूसरा ट्रेस एलिमेंट। जैसे हमें कॉपर ज्यादा चाहिए, आयरन ज्यादा चाहिए लेकिन बोरान कम चाहिए, कोबाल्ट कम चाहिए, तो ट्रेस एलिमेंट। हमारे यहाँ के कोयले में ट्रेस एलिमेंट कम है और ये अच्छी खबर है क्योंकि जब ये जलेंगे तो इनके ये भी ऑक्साइड वगैरह बन करके फिर पॉल्यूशन करेंगे, तो ये अच्छी खबर है। सातवीं बात, मोस्टली इंडिया में जो कोल है वो बिटुमिनस क्वालिटी का है और बिटुमिनस का क्या मतलब है आप जानते हैं। इसके बाद आठवीं बात, हाईली ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, इंडिया में जो बिटुमिनस कोल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू रिलेटिवली काफी ठीक है इसलिए रिलेटिवली एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। नौवीं बात, हाई एस फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर का मतलब होता है मेल्टिंग। एक
तो हमारे एस को मेल्ट करने में बहुत ज्यादा 2000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर लगता है, तो हाई एस फ्यूजन टेम्परेचर। और दसवीं बात, वेल डिफाइंड लेयर्स ऑफ मिनरल्स। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है, उसका एक फायदा यह भी होता है कि कोयले की एक परत है, उसके बीच में कोई मिनरल की परत है, फिर नीचे कोयले की परत है, फिर नीचे कोयले की परत है, फिर मिनरल की परत है, तो इस प्रकार से कोयले की मोटी पट्टियों के बीच बीच में मिनरल की परत पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन कोल की, इनमें से कुछ पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है। तो मैं पॉजिटिव बता देता हूं और आपको खुद समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाई एस कंटेंट निगेटिव, हाई परसेंटेज ऑफ इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज ये निगेटिव पॉइंट है, पुअर पॉसिबिलिटी निगेटिव पॉइंट है, थिक सीम पॉजिटिव पॉइंट है, हाउएवर स्प्लिटिंग इसकी इजी हो जाती है नेगेटिव पॉइंट है, हाई सल्फर कंटेंट नेगेटिव पॉइंट है, लेस स्ट्रेस एलिमेंट पॉजिटिव पॉइंट है, मोस्टली बिटुमिनस इसको कोई न्यूट्रल है, अब है तो है तो क्या करें, हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी बात है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है अच्छी बात है, और वेल डिफाइंड लेयर ऑफ मिनरल अच्छी बात है। तो बाकी कौन कौन सी नेगेटिव बातें हैं ये आप ध्यान में रखें। अब इंडिया कोयले का इंपोर्ट क्यों करता है, जबकि हम फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसके बावजूद हम कोयले को क्यों दूसरे देशों से खरीदते हैं, उसका कारण है इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स आपने देखे, उन नेगेटिव पॉइंट्स के कारण। एक शब्द में यदि हम कहें इंडियन कोल इज रिलेटिवली पुअर इन क्वालिटी, रिलेटिवली मतलब किसके रिलेशन में, एंथ्रासाइट कोल के रिलेशन में इंडियन कोल पुअर है। और फिर हमने अपने UNFCCC से पेरिस समझौता में और भी दुनिया से हमने वादा किया है कि भाई अब पर्यावरण प्रदूषण कम करने में अपनी भूमिका निभाएंगे, और अगर हम अंधाधुंध इन्हीं कोयलों को जलाते रहें तो हमारी इसमें धुआं भी ज्यादा निकलता है, अभी हमने पढ़ा था ना इसके पहले। तो इन सब चीजों के कारण हमें एनवायरमेंटल को कंजर्व भी करना है, अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बना करके रखना है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया कुछ कोल अपना एक्सपोर्ट कर देता है पड़ोसियों को, और कुछ बेहतर क्वालिटी का कोल इंपोर्ट कर लेता है। तो यदि हम अपने कोल में इन चीजों को धीरे धीरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर कर सके, इनमें से कुछ भी कारणों को दूर कर सके, तो हमारा इंपोर्ट जो है वो कुछ कम होगा। दूसरी बात, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा करके एक्सपोर्ट बढ़ा लें अपने कोयले का और बाहर से इंपोर्ट कर लें तो भी हमारा समीकरण बराबर रहेगा। तो इस प्रकार से क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या इसके हल हो सकते हैं, ये तमाम बातें यहां तक हमने जो है कर लिया। अब यहीं पर कोल के बारे में लगभग 90% चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में एक छोटा सा वीडियो होगा 5 से 7 मिनट का, जिसमें मैं कोल सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है और कुछ और बातें अगर कोल के बारे में छूटी होगी तो वो हम इसको इसमें मिक्स करके और कोल सेक्टर कंप्लीट करेंगे। आफ्टर देन हम लोग आ जाएंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर पर, क्योंकि वो भी मिनरल है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।